ओके सो हे गाइस, इट्स मी अनिर्बान एंड बैक हियर विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं एक हेयर ड्रायर का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। और ये जो हेयर ड्रायर है ये फिलिप्स कंपनी की तरफ से है और मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया है। तो जैसे कि आपको रहे हैं आप, तो इसको मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा इसके सारे जो फीचर्स के बारे में, उसके साथ साथ इसका एक अनबॉक्सिंग भी मैं आपको दिखाऊँगा। और उसके साथ साथ मैं इसको मतलब बहुत ही एक अच्छे रीजनेबल प्राइस में मेरे को देखने को मिला था, तो इसके लिए मैंने इसको परचेस किया। और मैंने सोचा कि आपके साथ मैं ये शेयर कर दूं कि जो कि अगर किसी को भी मतलब इस टाइप का जो हेयर ड्रायर का अगर रिक्वायरमेंट है तो ये आप ज़रूर परचेस कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं एंड आई विल बी शोइंग यू ऑल दी अदर कंपोनेंट्स दैट यू विल बी गेटिंग इनसाइड द बॉक्स इटसेल्फ एंड सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो चलिए इसको हम जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया था, तो अमेजोन में मेरे को एक अच्छा सा डील में ये देखने को मिला था। जो परचेज लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये मेरे को आसपास जो है 750 रुपये के आसपास देखने को मिला था, जो बहुत ही एक अच्छा डील है। तो चलिए इसको जल्दी से फटाफट से हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इसको पैकेट को खोलने के बाद जो है हमको ऐसा टाइप का जो है कार्डबोर्ड का पैकिंग देखने को मिल जाते, ऊपर फिलिप्स लिखा हुआ है और इसका जो मॉडल है HP8100, तो ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है बॉक्स जो है पूरा मतलब इको फ्रेंडली पैकिंग के साथ आता है, तो ये भी जो है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ओवरऑल जो है बॉक्स का अगर मैं ओवरव्यू आपको दिखा दूँ, तो इधर पीछे के साइड में आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि मतलब जो प्राइस वगैरह ये सब कुछ। तो ये जो मॉडल है ये बहुत ही अच्छा है और मैं इसका जो लिंक है वो भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये जो है मतलब एकदम सील्ड पैक होके ही आया था, तो अगर आप देखते हैं कि पैकिंग सील नहीं है तो आप इसको एक्सेप्ट मत कीजिए। तो सील काटने के बाद जो है बॉक्स ओपन करने के बाद जो है हमको ऐसा कुछ जो है देखने को मिल जाता है। तो पैकेट को जल्दी से जो है हम बाहर निकाल लेते हैं। तो पैकेट के अंदर जो है हमको कुछ चीज़ें देखने को मिलते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। तो बॉक्स को साइड में रख लेते हैं इस टाइम के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो बेसिकली जो हेयर ड्रायर है ये बेसिकली जो है पर्पल कलर में हमको देखने को मिल जाता है। और ये जो पर्पल कलर है ये मेरे को बहुत अच्छा लगा मतलब देखने में जो कलर जो है। तो उसके साथ साथ जो है इसका अगर कुछ मतलब फीचर्स की बात करूँ, तो ये जो हेयर ड्रायर है ये पूरा ही मतलब प्लास्टिक जो बॉडी हमको देखने को मिल जाता है। तो इसके साथ साथ ये जो है ये 1000 वाट का जो है एक हेयर ड्रायर है। तो उसके साथ साथ ये हमको जो है कुछ मतलब यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ हमको पीछे के साइड में एक वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाते हैं, जो आप इसको फिल कर सकते हैं। जो अगर आप इसका कोई भी मतलब पार्ट्स डिफेक्ट होता है इन फ्यूचर, तो आप वारंटी भी क्लेम कर सकते हैं फिलिप्स की तरफ से। तो ये बहुत ही अच्छा एक चीज़ है। तो चलिए इसका जो कॉर्ड है ये हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो जो कॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है, हमको 2 पिन जो प्लग है वो भी देखने को मिल जाता है और प्लग में हमको मेड इन इंडिया जो है वो ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। तो जो कॉर्ड का जो मैंने क्वालिटी मतलब देखा कि कॉर्ड का क्वालिटी बाकी सारे जो हेयर ड्रायर्स है उनसे जो है फिलिप्स का हेयर ड्रायर्स में जो है कॉर्ड का क्वालिटी अच्छा देते हैं ये लोग। और उसके साथ साथ जो है अगर इसका मतलब जो है मतलब होल्डिंग की बात करूँ, तो होल्ड बहुत ही अच्छे से मतलब ग्रिपेबल है और बहुत ही लाइट वेट है। इसका जो कॉर्ड है ये बेसिकली 1.5 मीटर्स का जो है हमको पावर कॉर्ड देखने को मिल जाता है। और उसके साथ साथ जो है हमको डुअल जो मोड्स देखने को मिल जाते हैं, एक है मीडियम के लिए और एक हाई के लिए। जो जैसे कि इससे क्या होता है कि आपको जो है एक रेगुलेटेड जो है हीटिंग देखने को मिल जाता है। और उसके साथ साथ साइड में कुछ फिलिप्स और सारे जो है कुछ ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। हमको एक जो है माउथ पीस भी देखने को मिल जाता है और आप कैप भी बोल सकते हैं। तो इसको हम को पहले मतलब जो है फिट कर लेना है। तो इससे क्या होता है कि जो एयर फ्लो है मतलब एक स्ट्रीमलाइन वे पे जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो है मतलब जो बटन्स जो है जो मतलब स्विच जो भी आप बोल लीजिए, तो वो बहुत ही मतलब अच्छा है और बहुत ही टैक्टाइल है और अच्छा फीडबैक हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बहुत ही मतलब अच्छा देखने को मिला जो ये जो है। और पूरा ही मतलब जो मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक बॉडी है और हमको जो है मतलब डुअल टोन में जो है ये देखने को मिल जाता है। और नीचे के साइड में हमको जो है एक हैंगिंग हुक भी देखने को मिल जाते हैं, तो आप इसको मतलब ऐसे हैंग भी कर सकते हैं कोई भी हुक्स में। तो चलिए इसको हम जल्दी से मतलब पावर ऑन कर लेते हैं प्लग को इंसर्ट करके, उसके बाद जो है पावर दे देते हैं। तो पावर देने के बाद जो है कुछ जो है हमको जो है दोनों मोड्स जो मैंने आपको बताया ये देखने को मिल जाता है। इससे क्या होता है कि आपको जो है फ्लेक्सिबल हीटिंग जो है ये देखने को मिल जाता है और केयरफुल जो है
ड्राइंग का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है आपको, दोनों लेयर्स में जो है हीटिंग देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा है। अगर मैं इसका जो एयर फ्लो की बात करूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एयर फ्लो भी बहुत ही अच्छा है। इसका अगर कुछ एडवांटेज की बात करूँ तो एडवांटेज में मेरे को ये जो है, आप दो अगर आप जेंट्स हैं फीमेल हैं जो भी हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूनिसेक्स एक प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ईजी टू यूज़ भी है। तो जैसे कि आप, तो मैं जनरली यूज़ नहीं करता, तो ओवरऑल मेरे को भी ये जो चीज़ है वो अच्छा ही लगा था, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा था इसमें। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब आप ये जो हेयर ड्रायर है आप यूज़ करेंगे तो आप ये मतलब ध्यान में रखिए कि आप एक अच्छा सा मतलब जो है प्लग पॉइंट का यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो हेयर ड्रायर है जैसे कि आपको मैंने दिखाया था कि ये 1000 वाट का हेयर ड्रायर है और इसके लिए आपको एक अच्छा सा प्रॉपर मतलब जो है कनेक्शन का जो है रिक्वायरमेंट रहता है। तो आप ये जो प्लग है, आप कोई भी मतलब अच्छा जो प्लग पॉइंट है आपके घर में तो उसमें आप इसको यूज़ कीजिए, जो पावर फ्लैक्चुएट ना हो। तो उससे क्या होता है कि इसका जो अंदर का जो मोटर है वो डैमेज हो सकता है। तो ये सारे जो चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि आप इसको मतलब लंबे दिन तक बहुत ही ईजिली जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो है इसका आपको जो है दोनों मोड्स देखने को मिल जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक जो है मीडियम जो मोड है उसके बाद जो है एक हाई मोड है, तो आपको दोनों मोड्स देखने को मिलते हैं। तो आप ज़्यादातर मतलब कोशिश कीजिए कि अगर आप लंबे टाइम तक इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको मतलब नॉर्मल मोड पे दे के आप इसको यूज़ कीजिए। अगर आप बहुत ही हरी में हैं और आपका जो मतलब बाल है वो जल्दी सुखाना है तो आप इसको हाई मोड पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये टेंडेंसी रहता है, मैं भी मतलब बहुत पहले ऐसा ही करता था कि इसको मतलब ऐसे ही जो है मतलब रैप करके जो है ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कॉर्ड है वो डैमेज हो सकता है। तो जो भी आप हेयर ड्रायर खरीदेंगे अच्छा क्वालिटी का, तो उसमें जो है आपको जो है इस टाइप का जो है एक जो है मतलब जो है मतलब बाइंड करने के लिए ये जो वायर को आपको इस टाइप का जो है एक सेपरेट वायर देखने को मिल जाता है। इसको ऐसे मतलब लगा के उसके बाद जो है आप इसको मतलब लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो मतलब जो वायर जो है वो मतलब जो है अच्छा रहता है। तो ओवरऑल जो है ये जो हेयर ड्रायर है बहुत ही अच्छा है और अफोर्डेबल प्राइस में जो है देखने को मिल जाता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये मिला के इसको एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हेयर ड्रायर बना देता है। तो आप ज़रूर इसको जो है परचेज़ कर सकते हैं आपका जो डेली डे टू डे यूजेज में। तो बहुत सारे जो है इसका एडवांटेजेस के बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दिया, फीचर्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सो इट्स अ रियली अ ग्रेट प्रोडक्ट टू गो फॉर इन 2022। And so that's it for today guys, I hope you like this video and if you liked it do share it with your friends who are thinking of buying these kind of stylish looking hair dryers for themselves from the Philips brand। And agar aap chahte hain, agar aap is type ka jo tech videos mein interest rakhte hain to aap definitely mera jo channel hai isko subscribe kar sakte hain Anirban's Review। And aap aapke jo friends hain in sab ke sath mera jo channel hai ye share kijiye, jaise ki unko bhi matlab acha contents dekhne ko mile। And thank you so much for watching this video once again and I catch you guys in the next one।